का वजन धीरे धीरे अब बढ़ता जाएगा तो ये लूम झुक जाएगी, या ये रही पूरी लूम फूल के साथ। ये देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आ गए फिर से कुएं वाले खेत पे। ये देखो, ड्रिप सिस्टम स्टार्ट कर दिया है गाइस। ये देखो, टपक टपक शुरू हो गया है ड्रिप सब खेत में। चलो गाइस, केले की लूम देखने चलते हैं कितनी बड़ी हो गई है। ये रही केले की लूम, बहुत बड़ी है। ये फादर साहब ने डंडा का सपोर्ट भी रख दिया है लूम के पास। पूरा केले का पौधा झुक ना जाए वजन से, केले के लूम की वजन से झुक ना जाए, इसलिए डंडा का सपोर्ट भी लगा दिया है फादर साहब ने। लूम का वजन धीरे धीरे अब बढ़ता जाएगा तो ये लूम झुक जाएगी, या पवन में भी झुक जाएगी, फिर केले की लूम खराब हो जाती है, इसलिए सपोर्ट लगाना पड़ता है। चलो दूसरी लूम देखते हैं किधर है। इधर ही कहीं है, ये रही है। ये रही पूरी लूम फूल के साथ। अब ये नीचे वाले फूल को काट देंगे। ये देखो, ऑटोमेटिक ही फूल के पत्ते ओपन होते जा रहे हैं, रोल होते जा रहे हैं, फिर ऑटोमेटिक ही गिर जा रहे हैं, और इसमें से अंदर से केले की लूम निकल रही है। देखो, ये देखो नया केले का फूल निकला हुआ है। ये देखो कितना बड़ा फूल है। चलो दूसरा देखते हैं केले की लूम किधर है। इधर दो लूम है, देखो ये दूसरी लूम। और ये फूल खिल रहा है, देखो एक एक लूम निकल रही है उसमें से। इस मैंगो के सीजन में तो पूरा मैंगो खत्म हो गया है। कुछ कुछ पेड़ पे एक दो तीन है। ये देखो फादर सब आगे रखते हैं। देखो चलो चलते हैं। मोटू से हाँ तेरी आने हमना जो ये एक टाइम पांडरा पर ऊपर से गिरो ये जो आड़े लोजन लकड़ी से जो आड़े देवाने फूल बासे बात ना हमको ऊपर जाओ तो नहीं देखा है ना देखा जाओ नहीं देखा है बनी पड़े तो हमारी जवान था कासू जवान सीधो नहीं जवान पान में नहीं खबर पड़े क्रॉस में हम थोड़ू हाँ यहाँ बाजू निकले वाले लुते थे हाँ यहाँ कुल निकलो थे हाँ सीधो से हाँ यहाँ यहाँ निकल आ बाजू वेलू काले हुए तो चार नहीं पांच ते छल्ले एक से हाँ यहाँ मैंने जोई देखो गाइस, इस कले में भी फूल अभी निकल रहा है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा। ये देखो
कितने फूल निकले हुए हैं, गिन रहे हैं। देखो दशहरी का बहुत बड़ा फल, ये देखो ककड़ी का बेल है। फूल तो बहुत लगे हैं पर ककड़ी लग नहीं रही है। इस बेल पे सूर्य प्रकाश बहुत कम मिलता है इसलिए ककड़ी भी बहुत कम लग रही है। चलो गाइस बाहर निकलते हैं, यहाँ पे तो पक्षियाँ बहुत डरा रही है आवाज़ करके। हमारे इलाके में घुस आए चलो गाइस दूसरे खेत में केले के फार्म में। दूसरे खेत में आ गए हैं, यहाँ पर भी ये ककड़ी का बेल है पर फूल तो बहुत है, ककड़ी लग नहीं रही। और धोंधड़ा खाइए लगे तो देसी तो तेवाज के फादर साहब ने तोड़ दिया तुम बड़े। दूसरे केले के फार्म में ये देखो इसमें भी फूल खिल रहा है, केले की लूम निकल रही है। इस खेत में पात्रा के पान पहले थे तो कुछ कुछ निकले हुए हैं पात्रा के पान, कभी कभार पात्रा के पान बनाएंगे खाने के लिए, ज़्यादा रहते हैं तो बेच देते हैं। चलो गाइस नाश्ता आ गया, समोसे। चलो गाइस नाश्ता वास्ता हो गया, अब देखते हैं कुएं में पानी कितना है, नहीं तो खाली मोटर फिरती रहेगी। दे रहा कुएं में पानी खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत मछलियों के लिए भी पानी रखना पड़ता है नहीं तो मर जाएगी मछली। चलो गाइस मोटर को बंद कर दिया है, अब इसको फिल्टर को साफ कर देते हैं जो कचरा जमा हुआ है। ये देखो ये रहा फिल्टर गाइस, कितना कचरा लगा हुआ है, साफ करना पड़ेगा ब्रश से। चलिए गाइस फिल्टर साफ हो गया है, नीट एंड क्लीन। अब फिट कर देते हैं इसमें और लगा देते हैं सिस्टम पर। चलो गाइस सिस्टम को लगा दिया है, अब चलते हैं घर, दोपहर को आएंगे 1-2 बजे, बाद में 1 घंटा शुरू करेंगे, पानी कुएं में फिर से स्टोर हो जाएगा, 1-2 घंटा शुरू कर देंगे दोपहर को। अब चलते हैं घर, चलो।